बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार हम जा रहे हैं आज कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुकिंग का सामान लेना है और उसके अलावा रूम की कुछ सेटिंग वेटिंग के लिए कुछ चीजें लानी है। तो छुट्टी थी आज, तो आज छुट्टी है, अब चार पाँच छुट्टी है। मैंने कहा चले यार कुछ चीजें वगैरह लेनी है। धूप निकली हुई है लेकिन पहले की तरह सर्दी उतरी है, धूप निकलने का कोई फायदा नहीं है। और आपको पता मुझे सर्दी भी लग गई थी और अब मैं एहतियात बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। आप देख भी रहे होंगे फुल एहतियात कर रहे हैं भाई, क्योंकि एहतियात जरूरी है। अच्छा यार मैं मजे की बात हूँ आपको, मैंने नोट किया पाकिस्तान में जिन गाड़ियों का क्रेज होता है ना, ऑडी होगी ठीक है, ये किया स्पोर्टेज होगी, लेक्सस होगी, डीएक्स होगी, V8 होगी, उसके अलावा और कौन सी गाड़ी है जिनका यही ये पाकिस्तान में ज़्यादा गाड़ी जिनका क्रेज होता है। तो वहाँ लोग हर बंदा कहता है यार मेरे पास ये गाड़ी हो, और जिसके पास होती है यार वो बंदा समझता कि मैं पता नहीं क्या हूँ। और इधर आके भाई देखा कि इधर ये गाड़ी है ऊबर पर चलती हैं, रेंट पर चलती हैं, ठीक है, कोई नहीं है यार इधर कुछ भी नहीं है। या हम अब आ रहे हैं किया स्पोर्टेज पे, पता भी नहीं है इधर। वो एक दो दिन पहले हम गए थे कहीं हुई मॉल वगैरह में, ऑडी आई थी कभी अल। साथ हो गया बहुत बड़ा प्रैंक। मैंने ना हमने ना दोस्त उससे पूछा कि यार हमने ना इस तरह शॉपिंग वगैरह करनी है, चीज़ें वगैरह लेकर आनी है, तो हमें ना कुछ सजेस्ट करो वो चीज़ की प्लेस। तो उसने हमें ना एक मार्केट बताई, तो मॉल बताया कि आप इस मॉल पर चले जाओ। हमने सर्च किया, वो ही हमारे तकरीबन इधर थी, उसकी 10-12 ब्रांचेज थी हमारे ना इधर सिटी में। तो वो एक ब्रांच आई सामने, मैंने देखा तस्वीरों में, मैं कहा ये सबसे बड़ी है, दिखने में सबसे बड़ी थी, मैंने कहा ये सबसे बड़ी है। तो हम उधर चले गए, मैंने बुकिंग कराई जहाँ हम गाड़ी पे बैठे हैं उधर आके, हम जब इंटरव्यू हुए अंदर, इंटरव्यू हुए उधर जाकर देखा, अंदर इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू होते साथ ही खत्म हो गई। देखा ये क्या, ये किधर आ गई। और जनाब सबसे बड़ा प्रैंक है हमारे साथ ये वो, ठीक है। फिर हम भाई वहाँ से बाहर निकले, फिर हमने गूगल मैप पे अपना ऐप है 2GIS, वो इधर मैप है ऐप यूज़ होता है, उस पर मैंने सर्च किया। तो उधर से थोड़ी सी मुसाफत पे ना अब एक माल था, ठीक है, उधर आ गए। ये माल नहीं, ये तो अब हम जरा इंटरव्यू हुए तो पता लगा कि ये लोकल मार्केट है और अच्छी है यार। इधर बहुत से चीज़ें मिल रही हैं हमें, पाकिस्तानी मसाले ठीक है वो मिल रहे हैं। और जो हमारे पास है ना माल, दीना माल, इधर मेन जो चीज़ है ना, मतलब कि माल है इधर, जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर माल होते हैं हर शहर में अपना अपना होता है, ठीक है, इधर जो मेन माल है दीना है, ठीक है, वो हमारे पास भी दीना। उधर से जो मसाले मिलते हैं वो लोकल, वो पाकिस्तानी नहीं होते, इनके अपने ही होते हैं, जो इधर के मसाले जाते हैं वो किसी काम के नहीं है। इधर आए तो भाई पाकिस्तान मसाले जहाँ देखे हैं तो बड़ी खुशी हुई है। धनिया देखा इधर आ गया, उधर जो धनिया था ना वो पैकेट में था, मिर्चें थे वो भी पैकेट में थी, सब कुछ पैकेट में था। इधर आए हैं तो भाई खुली चीज़ें देखी हैं और पता लगा ये लोकल मार्केट है। बहुत मुझे तो बहुत पसंद आई है। और ये मेरे पीछे ड्राई फ्रूट भरा हुआ है, उधर से जो हमने ड्राई फ्रूट लिया हुआ है लिया था वो दूसरा पैकेट्स में था, उनका कोई जायका नहीं था। और ये मेरे पीछे मसाले जात पड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब कि खुला सब कुछ पड़ा हुआ है, बहुत सी चीज़ें थी। ट्राली मेरे पास है और एक दूसरी वो खुद आपके पास है, जो जो लेना था सब कुछ ही ओवरऑल ले लिया है। कुकिंग का सामान भी ले लिया, जो रूम के लिए चाहिए चीज़ें वो भी ले लिया है, कुछ अभी ढूंढ रहे हैं थोड़ा सा। जब जाम गए थे वहाँ से तो भाई कुछ नहीं मिला, वहाँ से अब दोबारा कहीं हो रहे हैं, तो बस उधर से लिया आके। अब आज तो भाई प्रैंक हो गया फुल हैवी सा,
यार हुआ, बस गलती कुछ हमारी भी है कुछ उसकी भी थी, बस समझ नहीं आई हमें भी। चलें कोई नहीं। बाकी यार एक दोस्त का मेरा कमेंट आया था भाई प्राइसेस भी बताओ। यार प्राइसेस इंशाल्लाह आप जिस पे कहोगे मैं उस पर आपको प्राइस बता दूंगा, ठीक है। ओवरऑल प्राइस कुछ पाकिस्तान से सेम है और कुछ पाकिस्तान से ज़्यादा भी है और कुछ चीज़ों की पाकिस्तान से कम भी है प्राइसेस ना, तो जो उनसे आप पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन वीडियो बना दूंगा किसी दिन माल पे आगे, अगर आप कहेंगे ग्रोसरी की आइटम्स पे उस पर भी बना दूंगा, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं अगर उस पर कहेंगे तो उन पर भी बना दूंगा भाई। बस जिस पर आप कहेंगे कब बना दूंगा, ठीक है। शॉपिंग वगैरह की थी, सामान बहुत ज़्यादा था तो हमने सोचा यार गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी वगैरह करवाई तो आधा घंटा से भी ज़्यादा हम खड़े रहे गाड़ी का वेट करते रहे। हमने समझा गाड़ी आ रही है, लोकेशन भी शो नहीं हो रही थी, उनका इशू आ रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, कोई नेट इशू था, जो भी था। गाड़ी वाला आगे भाई खड़ा हुआ था, हम अंदर खड़े हुए थे, आधा घंटा हमें इसी बाद में गुजर गया, गाड़ी आ रही, वो हमें कॉल करता था, हमें समझ नहीं आती थी। फिर वो एक हमारा सीनियर आया, हमने उससे बात करवाई, जो सीनियर होते हैं उनको ओवरऑल लैंग्वेज ना आती होती है, तो जैसे जैसे अब हम सीनियर होते जाएंगे तो हमें भी कुछ आ जाएगी। तो वो सीनियर आया, से बात करवाई तो उसने कहा वो गाड़ी तो खड़ी हुई, सामान हमारा ज़्यादा था, पैदल भी जा सकते थे, इतना थोड़ा सा सफ़र है, तो लेकिन वो गए हैं, फिर आकर बैठे हैं, ये जनाब साहब है, ठीक है, मूड बना के बैठे हुए हैं, आप इतना लेट क्यों आए हो, और उनसे फिर एक्सक्यूज़ किया कि यार ये मसला बना, हमें नहीं पता था यार इधर, बस मेन एक ही चीज़ का मसला है वो है लैंग्वेज बैरियर का, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई, और आसा सा हल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसका भी। बाकी इंशाल्लाह शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कल वाला व्लॉग शायद कुकिंग पे आए मेरा, या फिर हॉस्टल पे आएगा, इस तरह का कोई व्लॉग आएगा इंशाल्लाह कल। आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।